गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। तो क्या आप हमें मैदान में खेल खिलाएंगी मैम, जैसे हम हमेशा अपने घर पर खेलते हैं? नहीं नहीं, वो भी नहीं कराऊंगी, बल्कि आज तुम लोगों को एक सरप्राइज दूंगी। हमारे स्कूल ने इस बार दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में एक नाटक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है और उस कॉम्पिटिशन में तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। क्या बात है, क्या बात है, हम सब नाटक करेंगे। माँ कहती है कि पढ़ने के नाम पर मैं रोज नाटक करती हूँ। ये नाटक वो नाटक नहीं है चिंकी, ये सचमुच का नाटक है। बड़ा स्टेज होगा, बहुत सारी रोशनी होगी, सामने बहुत सारे दर्शक होंगे और नाटक का थीम होगा माँ दुर्गा द्वारा महिषासुरवध। अरे केला, मतलब अंडा। अरे लुलू, तू ब्रेड को क्यों छोड़ रहा है, वो भी बोल दे ताकि एक पैकेट पिकनिक का ब्रेकफास्ट ही बन जाए। ठीक है ब्रेड, पर इसमें बीच में पिकनिक कहाँ से आ गई? मैं अभी थोड़ी टेंशन में हूँ, इसलिए पिकनिक पर जाने का मन नहीं है खेगो अंकल। मैं भी अभी तेरी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ लुल्लू, मुझे रिसर्च करना ही होगा। हाँ, कैसा रिसर्च? यही कि पहले मुर्गी आई या अंडा, बता सकता है? पहले गर्मा गर्म चावल, उसके बाद अंडे की करी, उसके बाद चिकन। कैसा लगा मेरा जवाब? अब जरा बताइए घेगो अंकल, मुर्गी के पैर इतने छोटे क्यों होते हैं? क्यों? वेरी सिंपल, जिससे कि अंडे धरती पर गिरकर कहीं टूट न जाए। अरे हाँ, सच में? अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तूने तो मेरी आंखें खोल दी रे लुल्लू। आप भी जल्दी से मेरी किस्मत को खोलने का कोई इंतजाम कीजिए, भूत होकर घूमना अब अच्छा नहीं लगता है, और इंसान बनकर जन्म लेने के लिए भी बहुत सारे पुण्य करने पड़ेंगे, पर किसी भी तरह पुण्य का पल्ला भारी नहीं हो रहा है, क्या करूँ जरा बताइए ना। मैं तो कहता हूँ लुल्लू कि तू बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल। एक बात याद रखना, बच्चे ईश्वर के दूत होते हैं, उनके साथ मिलने जुलने से तेरे पुण्य का घड़ा बहुत जल्द भर जाएगा। हाँ, इसलिए तो मैं आपको इतना लव करता हूँ, जिसे हिंदी में कहते हैं प्यार करता हूँ हेगो डार्लिंग। सॉरी, गलती हो गई, मतलब ताऊ जी। हाँ? गणेश भगवान का रोल करेगा रतन, छोटू रहेगा कार्तिक, नाटक में सरस्वती रहेगी बेला, और मेघा बनेगी लक्ष्मी, और चिंकी तुम बनोगी माँ दुर्गा। ये बहुत मजा आएगा, मैं बनूंगी माँ दुर्गा। पर मैम, मैं किसके साथ फाइट करूंगी? अरे वही तो चिंता का विषय है, महिषासुर के रोल के लिए कोई नाम देने को तैयार नहीं है, कोई भी उस रोल को करना नहीं चाहता। अगर महिषासुर नहीं होगा तो माँ दुर्गा किसका वध करेंगी मैम? सही कहा मेघा, अगर महिषासुर नहीं होगा तो माँ दुर्गा महिषासुर वध नाटक भी तो नहीं हो पाएगा। मैम ने कहा नाटक नहीं होगा। रो मत तुम लोग, मत रो बच्चों, अब मैं क्या करूं? ये जीवन एक रंगमंच है, खत्म हो जाने पर पर्दा डाल दिया जाता है। अभी मुझे बताइए बच्चे कहाँ मिलेंगे, बताइए ना बड़े भैया। बच्चे, तुम इतनी सुबह सुबह बच्चे क्यों ढूंढ रहे हो, बच्चे पकड़ने वाले हो क्या? अरे मैं तो फंस गया। जैसा मैंने सोचा था शायद वही सच है, ये जरूर बच्चों को पकड़ने वाला है, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो आने वाले इलेक्शन में मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सुन सुन सुन, रुकते ही तो ये लो, पकड़ लिया मैंने तुझे। के साथ है प्रॉब्लम, अब शुरू होगा लुल्लू का गेम। कल्लू कालिया, मेरा गुब्बारा फोड़ डाला। जल्दी से यहाँ से भाग ले लुल्लू।
लुल्लु इज हियर। मेरे सारे चिप्स गिरा दिए। आज तो सब कुछ गड़बड़ होती जा रही है। भाग लुलु भाग। प्रॉब्लम है, बच्चे भी है, पर जैसे ही मैं हेल्प करने जाता हूँ सारा मामला बिगड़ जाता है। तो अब मैं क्या पुण्य कमा पाऊंगा बताओ? अगर महिषासुर नहीं होगा तो हमारा नाटक नहीं हो पाएगा। हम स्टेज पर जाकर अभिनय भी नहीं कर पाएंगे। तुम लोग ऐसे मत रो। अब मैं नाटक के लिए महिषासुर का इंतजाम कहाँ से करूँ? क्या प्रॉब्लम है मैम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बच्चों के नाटक में महिषासुर के रोल के लिए कोई बच्चा नहीं मिल रहा। अब अगर महिषासुर नहीं होगा तो नाटक भी नहीं होगा। नॉट टेंशन, बच्चे ईश्वर के दूत होते हैं, उनके लिए महिषासुर बनूंगा मैं, मतलब श्रीमान लुल्लू। मजा आ गया, मजा आ गया, हमें महिषासुर मिल गया। बहुत बढ़िया, इसका मतलब नाटक होगा, मजा आएगा। सच में बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। तो फिर कल से ही झटपट रिहर्सल शुरू कर देंगे हम लोग, है ना? लुलु भैया जिंदाबाद, हिप हिप हुर्रे, हिप हुर्रे। बच्चों तुम लोगों ने डायलॉग तो याद कर लिया है ना? यस मैम। तो फिर शुरू करो। अभी ये जगह छोड़कर चले जाओ, यहाँ सिर्फ असुर ही रहेंगे। क्या कहा बदमाश महिषासुर? जब तक माँ दुर्गा रहेंगी तब तक तुम्हारी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। ऐसी बात है, तो फिर अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। मर गया। मेरे पास चक्र है, मैं माँ की हेल्प करूँगा। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सभी माँ की हेल्प करो जल्दी। अरे बाप रे। अरे मैं तो भलाई करने के चक्कर में मार ही खा रहा। सुनिए मैम, आप लोगों के नाटक में क्या महिषासुर सिर्फ मार ही खाता है? हाँ लुल्लू, ये तो बच्चों का नाटक है, थोड़ी तो मार खानी ही पड़ेगी। ठीक है। ये मजा आया, महिषासुर को हमने मार गिराया। शाबाश बच्चों, अब तो हम लोग ही फर्स्ट होंगे। बच्चे तो बहुत ही शैतान हैं, ऐसी मार तो मैंने कभी नहीं खाई। यही अच्छे अभिनेता की पहचान है। रुक जाओ, शो वाले दिन ऐसा नाटक करूंगा जो नाटक को सुपर हिट बना देगा। शाबाश लुलु, प्राउड ऑफ यू, क्या बात है। क्या दिमाग लगाया। अभी ये स्थान छोड़ कर चले जाओ, यहाँ सिर्फ असुर रहेंगे। क्या कहा बदमाश महिषासुर? माँ दुर्गा के रहते तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। हा। अच्छा ऐसी बात है, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ तुम। हाँ। अरे बाप रे। कौन आएगा मुझे मारने के लिए? मेरे पास चक्र है, मैं माँ की हेल्प करूँगा। ये लो। तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? सभी माँ की हेल्प करो। हाँ चलो सब। अरे
बाप रे बाप, ये सब तो नाटक में नहीं था। ये सब लुल्लू ने इम्प्रोवाइज किया है। सो नाइस। भागो 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 यहाँ से भागो। जल्दी निकलो सब लोग, ये सब क्या हो रहा है। भागो 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 यहाँ से भागो। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया। भलाई करने जाओ तो हमेशा गड़बड़ ही हो जाती है। अब महिषासुर को कौन मारेगा।